ये जो मोनोकॉट सीड्स हैं आर मोस्टली एंडोस्पर्मिक, यानी इनमें एंडोस्पर्म पाई जाती है, बट सम लाइक ऑर्चिड्स इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाई जाती और नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म उसका स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। यहां पर हम जो एग्जाम्पल लेंगे डायग्राम का, हम लेंगे इन मेज सीड, कॉमनली इसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मोनोकॉट सीड में इसी के बारे में पूछा जाता है, जबकि वीट भी इसी में आता है, समझे। वीट ये भी मोनोकॉट तो द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस और फ्रूट वॉल से चिपक जाता है। अभी जब डायग्राम में बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, द सीड कोट जो बीज का ऊपर का कवर है इज मेम्ब्रेनस, बहुत पतला होता है। मैं गेहूं और मक्की की बात कर रहा हूं, एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, उसी से चिपक जाता है, फल की दीवार से। इसकी जो एंडोस्पर्म है वो बहुत ज्यादा है, द एंडोस्पर्म इज बल्की, बल्क में है, एंड स्टोर फूड। हम भी तो उसका आटा बनवा के खाते हैं, है पौधे का हम खा जाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक खास पॉइंट आता है कि जो आउटर कवरिंग है, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, डायग्राम में भी समझ में आएगा, सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेसियस लेयर, एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, प्रोटीन नेसियस, ठीक है, प्रोटीनियस भी कह सकते हो, लेयर कॉल्ड
एल्यूरॉन लेयर, काइंडली मीट योर सेल्फ। अर्पित अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एल्यूरोन, ये पीएमटी में शब्द बहुत बार आया है, लेयर। ये सेपरेट करता है एम्ब्रियो इससे, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो है बहुत इसका छोटा सा होता है, द एम्ब्रियो इज स्मॉल, एंड सिचुएटेड इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में होता है, एट वन एंड, एक किनारे पर, ऑफ एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म को खाता रहता है क्योंकि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का खाना होता है। ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मतलब पौधे का बच्चा, कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप, शील्ड देखी होगी क्या होता है, शील्ड ढाल जो होती है, ढाल तलवार नहीं होती, शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, जिसको हम कहते हैं स्कुटेलम। तो एम्ब्रियो स्कुटेलम का बना होता है और एक छोटा सा एक्सिस होता है, एंड ए शॉर्ट एक्सिस, दो चीज का एम्ब्रियो बना हुआ है। अगर मैं लिखूं कि जो एम्ब्रियो है दो चीजों का बना हुआ है, पहला हिस्सा है स्कुटेलम, दूसरा हिस्सा है एक्सिस। अभी डायग्राम से दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। स्कुटेलम बड़ा सा, एंड शील्ड शेप, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन का मतलब होता है पत्ती, ठीक है, सीड लीफ। और एक्सिस जो है इसके भी दो हिस्से हैं, पहला वाला हिस्सा प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल क्या होता है, फ्यूचर शूट, इससे भविष्य का स्टेम बनेगा। तो ये किससे कवर रहता है, एनक्लोज्ड विद ए शीथ, कवरिंग को शीथ कहते हैं, दैट इज कॉलियोप्टाइल। दूसरा रेडिकल है,
ये किससे कवर रहता है? एनक्लोज्ड इन ए शीट। इसमें भी एक शीट है जिसका नाम है कोलियोराइजा, COLEORHIZZA। क्यों ना इनको हम डायग्राम के थ्रू देखें? बिल्कुल देखो, मना किसने किया है? आ रहा है आपके सामने डायग्राम। मक्के का दाना बना रहा हूं, और सुंदर सा बना दूं जरा, नहीं तो कहोगे सुंदरता नहीं दी सर ने। ये सबसे बाहर की पहले मैंने कवरिंग बता दी, इसको मैंने सीड कोट एंड फ्रूट वॉल एक साथ चिपक गया। ये है सीड कोट, जो मैंने शुरू में बताया था मेम्ब्रेनस है, और फ्रूट वॉल एक साथ चिपका हुआ है। अब जो नीचे का इधर वाला हिस्सा है, यहां एम्ब्रियो होगा, इधर इसका एंडोस्पर्म होगा। इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, बांटते हैं, और उस लेयर का नाम मैंने आपको बताया था एल्यूरन लेयर। लीजिए, वो आ रही है आपके सामने, ये आ गई। ये प्रोटीन है, तो आप मक्के का जो बीज खाओगे उसके अंदर प्रोटीन होती है, ऐसे लेयर में जो पीली पीली सी लेयर दिखती है, ये एल्योरन लेयर है। ये एक हिस्से में एंडोस्पर्म को रोके हुए है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का खाना होता है। इसमें ये सारा एंडोस्पर्म भरा हुआ है, ये एंडोस्पर्म है। अगर आप नारियल पानी पीते हो तो वो पानी भी एंडोस्पर्म ही होता है, वो नारियल के बच्चे का खाना है जिसे हम पी जाते हैं। किसी को डेंगू की शिकायत हो, प्लेटलेट्स कम हो रहे हो, अगर नारियल पानी पीता है, ताजा नारियल पानी, तो बहुत फायदा करता है। ये मैंने एल्यूरन लेयर बनाई, ये लीजिए। और इसके अंदर मैंने ये भर दी पूरी एंडोस्पर्म, जिसका नाम मैं दूंगा स्टोर्ड फूड। अब नीचे की तरफ एम्ब्रियो है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से का नाम मैं रखूंगा स्कुटेलम, ठीक है? ये नीचे का जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा स्कुटेलम है। इसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा। एक तो स्कुटेलम पार्ट हो गया, ये नीचे का हिस्सा पूरा एम्ब्रियो है, जैसे मैंने यहां ऊपर अभी बताया था आपको। पहला हिस्सा स्कुटेलम है और दूसरा हिस्सा एक्सिस है। एक्सिस में प्लूम्यूल और रेडिकल है,
तो मैं प्लूमूल और रेडिकल बना रहा हूं, ठीक है, प्लूमूल एंड रेडिकल। सबसे पहले प्लूमूल, ये रहा प्लूमूल, यानी ये फ्यूचर में बनने वाला शूट है, और फिर एक बना रहा हूं मैं रेडिकल। यानी ये फ्यूचर में बनने वाला रूट है। तो एम्ब्रियो के ये दो हिस्से हो गए। प्लूमूल अपने ऊपर कवरिंग लिए हुए होता है, थोड़ी ज्यादा कवरिंग होएंगी इसके ऊपर, प्लूमूल की कवरिंग का नाम कॉलियोप्टाइल दिया गया था। तो मैं कॉलियोप्टाइल बना रहा हूं, ये कवरिंग आई और नीचे गई, नीचे इसी कवरिंग का नाम कोलियोराइजा हो जाएगा। जब तक ये ऊपर थी कॉलियोप्टाइल थी, अगर रूट पे है तो कोलियोराइजा, ये रूट की कवरिंग है, नीचे वाली तो ये है कॉलियो राइजा, और ये ऊपर वाली शूट की कवरिंग है तो इसका नाम है कॉलियो टाइल। ये मैंने आपको मोनोकोट का डायग्राम बनाया, बीज का, ठीक है, जिसे आप मेज कहते हैं। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैमिली का डेस्क्रिप्शन।